एक क्विंटल 50 किलो अवैध दौड़ा चुरा से भरी कार जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 News। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीमच जिला पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ परिवहन रोकथाम के तहत मंगलवार को पुलिस अधीक्षक वर्मा द्वारा जिले में आकस्मिक वाहन चेकिंग अभियान हेतु आदेश किया गया था, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SS गणेश व नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल के निर्देश में थाना कैंट प्रभारी अजय सारवान के नेटवर्क में दिनांक 22/3/2022 को थाना नीमच कैंट में सौनी कैलाश कुमार द्वारा जावत फंटे पर नाकाबंदी लगाई गई। तभी चेकिंग के दौरान मंथन तरफ से एक सफ़ेद रंग की कार एक्सेंस आ रही थी, जिस पर D101DZ4265 की नंबर प्लेट लगी थी। कार चालक तेज गति से चलाकर ला रहा था, जिसको नाकाबंदी में लगे बैरिकेड के द्वारा मुश्किल से रोककर वाहन चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कमल सिंह, पिता फतेह सिंह सोदिया, उम्र 20 साल, निवासी ग्राम रणारा थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर था। उसके पास कार की दूसरी सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम भोपाल सिंह, पिता रघु सिंह सोदिया, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम काचरी कदमाला जिला मंदसौर का होना बताया, जिससे पूछताछ करते समय कोई संतुष्ट पुष्ट जवाब नहीं प्राप्त होने पर शंका होने पर दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर वाहन की तलाशी लेने पर कार से भरे 8 कट्टे 150 किलो अवैध डोरा चूरा प्राप्त किया गया। पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाकर मौके में पकड़ाए आरोपी कमल सिंह, पिता फतेह सिंह सोदिया, उम्र 20 साल, निवासी ग्राम रणायरा थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर। भोपाल सिंह, पिता रघु सिंह सोदिया, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम काचरी कदमाला जिला मंदसौर के खिलाफ धारा 8/15 NDPA Act में प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसंधान में ले लिया गया है। जब्त मादक पदार्थ दौड़ा चूरा के स्टोर से जुड़े मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उक्त कार्यवाही में थाना नीमच कैंट टीम की सराहनीय भूमिका रही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए हमारे साथ।